मना रहे हैं। सबसे अफसोस इसी चीज का हमें, इसके साथ साथ मैं चलते जाऊं आप लोगों के साथ कि हमारे बाप दादों के कब्रिस्तानों को जिस तरह मेरा एक दोस्त ने बताया मुझसे मार करते हुए जा रहे हैं, हमें कोई फिक्र नहीं है, हमें कोई इल्म नहीं है और हम बोलने के लिए तैयार नहीं है। तीसरी बात 164 फुट लेने के बाद उन्होंने इकरार कराया था कि गिलगित से 164 फुट शुरू हो जाएगा, चतराल में खत्म हो जाएगा। अब ये 164 फुट खत्म होने के बाद गिलगित से 50 फुट का रोड शुरू हो जाता है, फंडरा में आने के बाद 50 फुट का रोड खत्म हो जाते हैं और फंडरा से 100 फुट का रोड शुरू हो जाते हैं और जो उधर आगे जाकर चंदूर में खत्म हो जाते हैं, वहां से फिर 50 फुट का रोड शुरू हो जाते हैं। ये सितम दुराफिया हमारे लिए है, इसलिए हम यहाँ पर जमा हो गए हैं। और इसके साथ साथ मैं आप लोग 50 फुट का मैं आप लोग अलग हवाले दे दूंगा, 50 फुट का तरकोल कर रहे हैं, 50 फुट को बना रहे हैं, हमें खुशी है इस रोड के लिए। लेकिन वो 50 फुट 25 फुट एक साइड में, 25 फुट दूसरे साइड में, हमें वहाँ पर गुजरगाह भी नहीं होते हैं, बैठना भी नहीं देते हैं, रहना भी नहीं देते हैं, मकान बनाना भी नहीं देते हैं, तो आखिर हम गरीब को कहाँ जाएंगे। हमारा मुतालिबा है गवर्नमेंट से, हम 50 फुट से एक इंच जमीन नहीं देंगे जब तक हमारे ये काला सर है, इसको अलग करे गवर्नमेंट, हमारा 100 फुट ले ले, हमारा पूरा मकान को ले ले, हमारे दख्तों को समार कर दे, हम दावेदार हैं। मैं ज्यादा आप लोगों का टाइम नहीं लूंगा, हमारा एक ही मुतालिबा है तमाम का, 100 फुट से कम होने के बाद जहाँ 100 फुट लेते हैं, गिलगित से लेते 100 फुट, चंदूर तक लेते, छतरा तक हम 100 फुट देने के तैयार है। अगर फंडे में खत्म होते तो हमारे 50 फुट, हमारे हम 50 फुट से जमीन नहीं देंगे। आप सबका खत्म, अस्सलाम वालेकुम। अमली तौर पे काम होना चाहिए।
बनाने के अंदर 100 फुट में किस तरह आ गया, किसने बनाया, इन्ही लोगों ने बनाया, वो कोई इल्हामी फैसला तो नहीं आया था, वही NHA के कोई आला सरबरा होगा, उसी ने उसको 100 फुट बना लिया, फिर जाके वही 100 फुट को सारे जगह पे 50 फीट करके रख दिया। और हल्का नंबर 5 के अंदर मजमा में ये 100 फुट क्यों रहा हो रहा है, 25 तारीख तक इसी एरिया में हल्का नंबर 5 के जो मजरूआ एरिया है इसी एरिया में ही 50 फुट का ही रोड बनेगा। तो आखिर में मैं एडवोकेट साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आज के इस प्रोग्राम का कंक्लूजन के जो इख्तितामी तालीमात है वो आपसे शेयर करेगा एडवोकेट शेर अहमद साहब। से 3 मिनट गने का समझा परेशान हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल्का 5 के गैर अवाम आप सब खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। मुझसे पेशरव मुकर्ररीन ने बड़ी डिटेल के साथ अपने मुतालिबात और ख्वाहिशात का इजहार किया है। मैं सिर्फ मुख्तसरन ये कहना चाहूँगा कि गज़र एक्सप्रेस वे को करकरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से लेकर फंडर के एंड तक मजरूआ ज़मीनों के अंदर 50 फुट रखी गई है उसकी फरमाइश। हम मुतालिबा करते हैं कि हल्का नंबर 5 के अंदर मटुटी पुल से लेके जुमरखंड पुल तक मजरूआ ज़मीनों के अंदर ज़मीन की चौड़ाई की पैमाइश 50 फुट रखी जाए। टोटल 1 पॉइंट एजेंडा है हमारा। बाकी जो गैर आबाद ज़मीनें हैं जिस तरह दिगर जगहों में 100 फुट ली गई है उसी तरह यहाँ पे भी दी जाए। इस रोड के दोनों अतराफ हल्का नंबर 5 में रोड के दोनों अतराफ 50 फुट का इजाफी ज़मीन लिया जा रहा है। इसका हम शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं और बहुत सारे खदशात का इजहार करते हैं। अवाम ने 25 तारीख से पहले पहले मुतलिका हुकाम से गुजारिश करते हैं कि आप अवाम के अंदर आए, इनके मुतालिबात को सुने। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ इस मुश्किल की घड़ी में जब आप बेघर हो रहे हैं, अपनी जायदाद से बेदखल हो रहे हैं, हम आपके गम में आपके तकलीफ में बराबर के शरीक हैं और इंशाल्लाह हमारा साथ आपके साथ हमेशा रहेगा। आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। हमारी तारीख ये है, अगर दुनिया का कोई शख्स हमारी हिस्ट्री को देखना चाहता है तो उसको अंदाजा होगा कि हम लोग दुनिया में इस हसियत से मुमताज मकाम रखते हैं कि सरकार के साथ ताउन करने में और हुकूमत के साथ ताउन करने में हमारी तारीख में हमारा कोई सहनी नहीं है। अगर आप सबूत चाहते हैं गिलगित बल्तिस्तान के जितने डिप्टी कमिश्नर्स हैं उनको लाइन में खड़ा करें, गिलगित बल्तिस्तान में जितने सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं उनको एक लाइन में खड़ा करें, आप तमाम SHOs को एक लाइन में खड़ा करें, आप उनसे पूछें आप किस जिले में डिप्टी अंजाम देना चाहेंगे, वो फरियाद करेंगे, वो दरख्वास्त करेंगे जनाब अली मुझे सिर्फ जिले गदरी भेज दे। वजह सिर्फ ये है, ये लोग कानून को माँ और बहनों की इज्जत के बराबर तकरीम देते हैं, ये लोग कानून को इतनी इज्जत देते हैं कोई दूसरा तसव्वुर ही नहीं कर सकता है। हमारी तारीख में अल्हम्दुलिल्लाह हमने कभी सरकार को किसी भी अहम काम में रुकावट पेश नहीं की। ये जो रोड आ रहा है मैं एक नहीं 1000 मरतबा कहा है हम इस रोड को बिल्कुल कहते हैं, क्योंकि हमें खुद पता है कि दुनिया में शाराएं ऐसी होती है जिससे कौमों की तकदीर बदल जाती है, इंकलाब खड़ा हो जाता है।
जिससे इंसान और कौम माशी तौर पर आगे बढ़ जाते हैं। एक सवाल ये है, जब भी इस किस्म के बड़े प्रोजेक्ट्स आते हैं तो इंसानी हकूक मुतासिर हो जाते हैं, जब भी इस किस्म के प्रोजेक्ट साथ आ जाते हैं तो इंसानों के साथ हैवान भी मुतासिर हो जाते हैं। इस वक्त जब ये रोड आया है, हमने शुरू में सुना 164 चुके, हमने यूनिवर्सिटी से लेकर ये चक धरा था 164 छूटे, अल्हम्दुलिल्लाह खुशी की बात है। फिर बाद में हमने ये सुन लिया नहीं ये 100 फुट है, फिर हमने सोचा अल्हम्दुलिल्लाह कराकरम यूनिवर्सिटी से लेकर ये शंदूर तक और शंदूर से चित्राल और चकदरा तक 100 फुट है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे लिए भी हमारी खुशनसीबी है, हम इसको अपने लिए एक सआदत समझते हैं। लेकिन बाद में जब काम शुरू हुआ, जब हमने प्रैक्टिकली NHA को और NHS के साथ मुतल्लिका कंपनीज को देखा तो उनका रवैया और उनका अमल इस जमीन में अमली तौर पे हमें कुछ और नजर आया। जब हमने देखा जहां गिलगित से शुरू होता है उसकी तरफ आज तक किसी ने देखा ही नहीं कि यहां से भी काम शुरू होता है या नहीं, और फिर जहां बसीन क्रॉस होगा वहां किसी ने कदम रज्जा ही नहीं फरमाया, चरोड सिक्योर में कि लोगों ने की डोजर की जियारत ही नहीं की। बाद में पता चला बसीन हो या शरोट सिक्योर हो या गुलपुर वहां पे 50 फुट है, सिंगल हो या जिंदास वहां पे 50 फुट है, या कूच हो या गुबर वहां पे 50 फुट है, गोबिस हो या और खिता वहां पे 50 फुट है, यह सिलसिला होता हुआ ये फंडर जमेंड होता है वहां पे 50 फुट है। जब हमने दरख्वास्त की जनाब अली हमें ये तो बता दिया जाए मट्टू की पुल से जुमरखंड पुल तक यहाँ आप कितना रख पड़ेंगे, उन्होंने कहा यहाँ तो हम 100 फुट जमीन लेंगे। खुदारा हमारा मदआ ये है, हमारी दरख्वास्त ये है जनाब अली आप 100 फुट शरोट में नहीं लेते हैं, आप 100 फुट सिक्योर में नहीं लेते हैं, आप 100 फुट गुलपुर में नहीं लेते हैं, आप 100 फुट सिंगुन में नहीं लेते हैं, आप 100 फुट गाकुच में नहीं लेते हैं, आप 100 फुट गोमिस में नहीं लेते हैं। मुझे ये बता दे मटुरी पुल से लेकर जुमरखन तक इन लोगों ने जुर्म क्या किया है, आप मुझे बता दे हमें किस जुर्म की सजा मिल रही है। अगर आप क्या यू से लेके शंदूर तक, शंदूर से लेकर चित्राल तक, चित्राल से लेकर चकदरा तक आप 100 फुट ले रहे हैं तो बसर चशम कुर्बान हम भी 100 फुट जमीन दे रहे हैं। नहीं अगर आप शंदूर गिलगित से लेकर आप शरोट तक, शरोट से लेकर गुलपुर तक, गुलपुर से लेकर गाकोच तक, गाकोच से लेकर गोपिस और आगे फंडर तक आप 50-50 फुट आबाद अराजियात में ले रहे हैं, आप यहाँ के कहेंगे नहीं सिर्फ हम यहाँ 100 फुट ले लेंगे, पहले हमें समझा तो दीजिएगा कि आप 100 फुट क्यों ले रहे हैं। तुम कहते हो हम टेढ़ा है 100 फुट लेते हैं, हम टेढ़ा में आपको 100 नहीं 200 दे रहे हैं, जहाँ सहरा है 100 नहीं 200 दे रहे हैं, जहाँ पहाड़ है हम 100 नहीं 200 दे रहे हैं। लेकिन हमारी आबाद अराजियात में, हमारी मकानात में, हमारी बिल्डिंग अराजियात में, हमारी दुकानों में, हमारी होटलों में किसी का पाप भी 100 फुट नहीं ले सकता। कह देंगे आप हमारी आबाद अराजियात में 100 फुट जमीन नामंजूर, हमारी खेतों में 100 फुट जमीन नामंजूर। जनाब अली ये जब गुलाहुनी और टेरू में दाखिल होते हैं ये 100 फुट जमीन ले रहे हैं, आदमी ने कहा उनकी सारी जमीन टेढ़ी है, वो सारा घर है। आप मुझे बता दे टेढ़ से लेके गुलाखमुनी तक, गुलाखमुनी से लेके बियांदे तक, बियांदे से लेके गुलाखतोरी तक जहाँ जहाँ टेढ़ा है तुम सब ले लो, लेकिन जहाँ सीधा है वहाँ पे आप 100 फुट क्यों ले। हम सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा लेके आज मैदान में आए, हम सरकार को ये बता देना चाहते हैं जनाब अली हमने पुनियाल वालों की तरह हमने ये नहीं मुतालिबा किया कि हमें एक कनाल जमीन के 80 लाख रुपए दे दिए जाएं, हमने दियामर की तरह ये नहीं कहा हमारे घरों में चूल्हा पे गैस दे दिया जाए, हमने ये मुतालबा किया आपने नहीं माना, आपने बदमाशी की। हमने कमर्शियल अराजियात का मुतालबा किया आपने नहीं मान लिया, हमने कंपनसेशन बढ़ाने का मुतालबा किया आपने नहीं मान लिया, हमने आपके साथ एग्रीमेंट का मुतालबा किया आपने नहीं मान लिया, आखिरी एक मुतालबा है लेकिन 50 फुट 100 फुट हम किसी सूरत में आपको नहीं देंगे।
जनाब अली, हमने 13 पॉइंट पे चार्टर ऑफ डिमांड डीसी साहब को पेश किया था। उसमें इस खिते के नामवर वकील और डिप्टी स्पीकर साहब खुद भी मौजूद थे, साबिक मिनिस्टर फिदा खान मौजूद थे, उनका जीएम मौजूद था, इस रोड का प्रोजेक्ट डायरेक्टर मौजूद था। हमने 13 नुकात पर डिमांड पेश किया। उन्होंने हमसे कहा आप थोड़ी सी तकसीब का मुजाहरा करें, आप लाइन पे आ जाए। हमने कह दिया हम 12 नुकात को दरिया में डालते हैं, सिर्फ एक नुकता आपके सामने रखते हैं, आप मटोजीपुर से लेके चुमरखंड तक सिर्फ 50 दीजिए। बिल्कुल। अब ये बताएं, अगर वो 50 फुट आपको मंजूर नहीं है, अगर आप कहना चाहते हैं नहीं हमने इस खिते में जबरन 100 फुट लेना है, अगर आप ये समझते हो इंतजामिया ताकतवर है, अगर आपका ये ख्याल है सरकार मजबूत है, अगर आपका ये ख्याल है इन लोगों को जेलों में डाल दूंगा, अगर आपका ये ख्याल है इन लोगों को थानों में बंद कर दूंगा, आप तकलीफ ना करें, हम खुद आगे थानों में बैठेंगे। आप तकलीफ ना करें, आप हमारे पीछे पुलिस ना भेज दें, हम अपने तमाम घर वालों को लेके, हम अपने बच्चों को लेके, हम खवातीन को लेके जब तेरे थाने में आएंगे और तुम्हारी थाने में हमें जगह भी नहीं मिलेगा। जनाब अली, हम आज डिप्टी कमिश्नर साहब को ये बता देना चाहते हैं 25 तारीख से पहले आप यहाँ पे तशरीफ ले आए, आप हमें मुतमईन करें, और साथ साथ डिप्टी स्पीकर साहब और डिप्टी कमिश्नर साहब, पहले नंबर पर डिप्टी कमिश्नर साहब, क्योंकि हमारी जमीनें आपने बेच दिया है, हमें नीलाम आपने किया है, हमारे कीमत आपने लगा दिया है, हमें बेघर आपने कर दिया है। 25 तारीख को आके हमें समझा दे कि मैं 100 फुट जमीन इसलिए ले रहा हूँ, अगर 25 तारीख को आपने हमें फाइल कर दिया हम आपको 100 फुट जमीन देंगे। अगर 25 तारीख के दिन आप हमें कायल ना कर सके, हम कायल उस वक्त होंगे जब आप गुलापुर बसीन में भी 2500 फुट लेंगे, हम कायल उस वक्त होंगे जब आप पुनियान में भी 100 फुट लेंगे, हम कायल उस वक्त होंगे जब आप गाकूच की आबादी में जो 100 फुट ले रहे हैं उसमें भी 100 फुट लेंगे, तब हम मुतमईन हो जाएंगे। अगर 25 तारीख तक आपने हमें मुतमईन नहीं किया तो हम बजोरे बाजू रोकने पे मजबूर होंगे, हम आपकी काम को रोकेंगे, और हम हमारा एक तबका अदालत आलिया का दरवाजा खटखटाएगा, हमारा दूसरा तबका यहाँ तुम्हारा काम रोक देगा। बिल्कुल बिल्कुल। एक और बार बता रहा हूँ जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब, जनाब असिस्टेंट कमिश्नर साहब, 25 तारीख को आप यहाँ आके 50 फुट जमीन 1 पॉइंट एजेंडा है, सिर्फ 50 फुट जमीन में आपने हमें मुतमईन कर दिया तो हम आराम से अपने घरों में चले जाएंगे, हम आपकी डोजर वालों को भी चाय भी पिलाएंगे, हम आपकी भी मेहमान नवाजी करेंगे। अगर 25 तारीख के दिन आपने हमें मुतमईन नहीं किया तो फिर हम किसी भी डोजर वाले को यहाँ पे काम करना नहीं देंगे। आपको फिर आखिर बार 25 अक्टूबर का डेडलाइन देते हैं, 25 अक्टूबर के दिन आप तशरीफ लाएंगे, हमें मुतमईन करेंगे, 25 अक्टूबर को ना आने की सूरत में हम रोड में काम रोक देंगे और हम कोर्ट में भी जाएंगे, यही सवाम का आखिरी फैसला है। आखिरी मुतालिबा है ये हमारा। 14-13 नुकात चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया था, हमने 13-12 नुकात से इस वक्त दस्तबरदार हो रहे हैं, लेकिन हम एक नुकात पे, एक नुकते पर 50 फुट पे, जब तक हमारी बदन में रूह है, जब तक हमारी जिस्म में जान है, कोई माई का लाल यहाँ से 50 फुट नहीं गुजारेगा। अवाम जिंदाबाद, जिंदाबाद। 100 फुट जमीन, 100 फुट जमीन, 100 फुट जमीन, 100 फुट जमीन, सरकार की बदमाशी, 100 फुट जमीन, NHA की मक्कारी, 100 फुट जमीन, पाकिस्तान जिंदाबाद, अवाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया आवामी एक्शन कमेटी के नुमाइंदा गिलगित बल्तिस्तान शमसुल हक नवाजी साहब, हलका नंबर 5 पे जिस तरह
एनएचए का जुल्म और बर्बरियत हो रहा है, ये एक वाज़े चीज़ है। उसके लिए जो हिकमत अमली की है वो 25 तारीख का डेडलाइन है, और ये सबके नालिश में आना चाहिए कि 25 तारीख के बाद यहाँ पे नेर जी मेल सारे होंगे, और ठेकेदार साहिब जो काम कर रहे हैं उनका काम शुरू हो जाएगा। और जब जरा नवाजी साहब ने तकरीर में ये भी फरमाया हमारा एक अदलिया का दरवाज़ा खटखटाएगा, और ये भी यकीनी बात है कि अदलिया का दरवाज़ा खटखटाएंगे, और यहाँ पे भी उन साहिबान के जो ठेकेदार साहिबान ये काम कर रहे हैं उनका एक्सकेवेटर मशीन और उनके डोजर भी उन काम बंद किया जाएगा। तो हम शमसुल्लाह साहब के मशकूर है कि वो बड़ी डिटेल से, और इवन यहाँ तक कि इसने चार्टर डिमांड भी जो कमिश्नर के टेबल पे रखा है उन्हीं में से सिर्फ एक एजेंडे पे उन्होंने उनके साथ एग्री किया, बाकी अपने सारे एजेंडा साइड पे रखे हैं। वो एजेंडा क्या है, हलका नंबर 5 के अंदर 100 फुट का जमीन आप क्यों ले रहे हैं, वहाँ पे भी 50 फुट जमीन मजरू एरिया में होना चाहिए, जहाँ पहाड़ है बेशक वहाँ 100 फुट ले लें, जहाँ गैर मजरू एरिया है वहाँ 100 फुट का जमीन, जहाँ मजरू एरिया है कमर्शियल एरिया है जहाँ पे बिल्डअप एरिया है इसी एरिया में 50 फुट होना चाहिए। ये हमारा 1 पॉइंट एजेंडा है, और उसके लिए हम हर मुमकिन हर एक तरीके से हम तैयार हैं। तो इसी के साथ हमारे पास दूसरा मुकर्र है हमारे जूनियर कमीशन ऑफिसर अब्दुल मुतली साहब, उसे से भी गुजारिश करूंगा कि इसके दिल में जो जज्बात है या इस रोड के हवाले से एक नया सजेशन है अपना जरीन ख्याल वो भी आपसे शेयर करेगा जूनियर कमीशन ऑफिसर अब्दुल मुतली साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब शमसुल हक नवाजी साहब, एडवोकेट शरावत साहब, और हलका नंबर 5 के अमायदीन और मुहतरम मुआज़िज़ीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। ये पिछले नवंबर से लेकर अभी तक एनएचए रोड के बारे में मुख्तलिफ बातें जो आप लोगों के सामने आए हैं, वक्तन फवक्तन इसी रोड के बारे में हम इकट्ठे हो गए हैं। इसी रोड के सिलसिले में हमारे जो नुमाइंदे हैं वो इस इलाके के जो भी बड़े हैं वहाँ तक भी गए हैं, हर तरह से जो उनका मिलाप था वो अपना मिलाप भरपूर तरीके से किया, मगर एनएचए की बदमाशी और हुकूमत गिलगित बाल्टिस्तान की दोगले पॉलिसी आज तक वो हमें कायल करने में नाकाम रहे हैं। मैं सिर्फ सोशल मीडिया की वसातत से गवर्नमेंट को आगाह करना चाहता हूँ कि उन्होंने यानी खुंजुराब टॉप से लेकर फंडर तक जो 50 फुट का रोड उसने रोड के लिए 50 फुट की ज़मीन ले लिया है, और मटूटी फूल से लेकर चुमरखंड फूल तक ये 100 फुट का ज़मीन ले रहा है, ये एक बात में वो हमें कायल करने में नाकाम हुए हैं कि क्या वजह है, क्या मटूटी फूल से लेकर चुमरखंड फूल तक के ये लोग इतना बेगैरत है कि आप उसके 100 फुट ज़मीन ले रहे हैं। मैं सोशल मीडिया की मदद से इस हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान के 2 नंबर हुकूमत से मैं ये पूछ रहा हूँ कि हमें भी कायल करो कि तुम किस लिए यह माटूटी फूल से लेकर चुमरखान फूल तक हमारा काशुदा इलाके में हमारा बेल्टअप एरिया में तुम 100 फुट ले रहे हैं। और दूसरा ये है कि 2 नंबर का एनएचए इससे मैं जो कम्युनिस्ट हुकूमत जो चाइना की है उनको मैं प्रायोरिटी दे रहा हूँ, 1000 दर्जा बेहतर है ये वो कम्युनिस्ट हुकूमत ये एनएचए से, कि ये एनएचए हमारे कब्रों को मुसमर कर रहा है। चाइना वाले कम्युनिस्ट हुकूमत है लेकिन वो कब्रों को जो है ना मुसमर नहीं कर रहा है, कब्रों की तकद्दस को पामाल नहीं कर रहा है, कब्रों को कभी भी इसी तरह उन्होंने उखाड़ा नहीं है। गवादर से लेकर ये आकर जो है ना मानसेरा तक इन्होंने रोड बनाया है, क्या आज तक इन्होंने किसी कब्र को मुसमर किया है? आप में से बहुत से लोगों का इस्तीफा कहीं पंजाब में चक्कर किया होगा, कहीं बलूचिस्तान में गया है या कहीं सिंध के इलाके में गया है, कोई एक बंदा ये बताए कि ये हमारे कब्रों को मुसमर कर रहे हैं चाइना वाले? ये एनएचए से ये चाइना वाले कम्युनिस्ट हुकूमत को मैं प्रायोरिटी दे रहा हूँ। ये 2 नंबर की कंपनी यहाँ पे चाइना वालों एनएचए को लाकर हमारे ऊपर मुसलत किया है, 100 फुट का जमीन ये हमसे ले रहा है, 40 फुट पे ये अपना मलबा दे रहा है डाल रहा है, और इसको कोई यानी वो नहीं है। अभी ये जहाँ पे जो ना खैराबाद है जमीन में इसने जो रोड बनाया है, क्या इनका ये फर्ज नहीं बनता था कि इतना ट्रैफिक इस रोड पे चल रहा है कि ये 2 फुट के उस जमीन पे जो ना गाड़ी के 4 पहियों के लिए ये थोड़ा मिट्टी डालकर इस रोड को थोड़ा बराबर करे? अगर ये 2 नंबर के ना होता तो ये कम से कम आवाम क्या इसका तकद्दस का ख्याल रखता। मैं सोशल मीडिया की मदद से
हुकूमत तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि 25 तारीख तक अगर हमारे इस मुतालिबा को न माना जाए तो हम अपना फैमिली को लेकर इस रोड में आएंगे, यानी नापुर से लेकर जाकर लंगर तक जितना भी डोजर इस एनएचए 2 नंबर ने यहाँ पे लाके लगाया है उन सबको बंद करेंगे। मटूटी पुल से लेकर यानी 1200 तक इस इलाके में इससे पहले भी 1988 लेकर अभी तक 400 से 500 बंदों ने अपने जानों का निशाना दिया है। अगर मुझ जैसा 5 बंदे और कुर्बानी दे देंगे इस रोड में तो क्या क्या ही वो मुश्किल काम है। हम इस रोड में कुर्बानी दे देंगे, अपने जानों का नजराना पेश करेंगे। किसी भी यूनियन के अंदर जो है ना 500 शहीदों का मजार नहीं है। ये मटूटी पुल हल्का नंबर 5 में मटूटी पुल से लेकर 1200 तक 500 शहादा की खबरें है 1988 लेकर अभी तक है किसी हल्के के अंदर इतना शहादा का। तो हम 10 बंदे और इतना कुर्बानी देने के लिए तैयार है, लेकिन ये 2 नंबर के गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत और एनएचए को इस इलाके में कामयाब ना होने देंगे। जब तक वो हमारा मुतालिबा नहीं मान रहा है हम किसी भी तरह से उनके काम से मुतमईन नहीं है। क्या उसके